संसद भवन पर स्मोक अटैक करने वाले सागर शर्मा के परिवार वाले अभी तक लगातार बेटे की करतूत के बारे में जानकारी होने से मना कर रहे थे, लेकिन अब टूट कर माँ ने जानकारी दी है और चौंकाने वाला खुलासा किया है। आप लोगों को ये पता था कि वो संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करेगा, ये सही है क्या? प्रदर्शन का मालूम था, मगर अभी जाके उसने नहीं बताया था कि हम अभी जाके करेंगे। अच्छा। हाँ, ये बताया था कि हाँ हम करेंगे, संसद भवन के पास ही करेगा। हाँ, ये पता था हमको, मगर ये नहीं पता था कि वो अंदर फांस जाएगा, ये नहीं मालूम था। वो एक कटर टाइप का था, वो लेके गई है, वही उनको मिला। कटर क्या था मतलब? कटर इतना सा, जैसे ब्लेड जैसा होता है, छोटा सा। वो मतलब जैसे जूतों तो काट कर बनाते हैं वैसा, वैसे ही हो सकता है, इतना बड़ा सा था। जैसे ने आप लोग से क्या कुछ पूछा? हम लोग से ज्यादा कुछ पूछा नहीं, बस यही जानकारी ली, उसका क्या सामान है, क्या सामान, क्या करता था वो, क्या पढ़ता था, यही सब जैसे आप लोग जानकारी ले रहे हैं, ऐसे ही थोड़ा बहुत पूछा उन्होंने। लगभग कितने देर तक रही है एजेंसी यहाँ पर? होगी, अरे 20-25 मिनट तो होगी। तो आपसे सागर की कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कराई गई, क्या कुछ पूछा आपने और क्या कुछ कहा उसने? उसने बोला मम्मी परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ, आप देखिए हमको, हम एकदम ठीक हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ, आप परेशान ना हो ना, बस ऐसे ही 2 मिनट बात हुई बस वो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किस किस के सामने कराएगी? हमारे ही साथ थी बेटी हमारी। अच्छा, पिता से नहीं हुई? पिता से नहीं हुई, हमारी हुई है बस। अच्छा, आप लोग को ये पता था कि सागर ने जूता यहीं से खरीदा था, बनाया भी यहीं से था उसने? नहीं, बनाने के बारे में तो हम जान भी नहीं पाए, बस ये पता है खरीद के तो लाया था जूते। जूता खरीद के लाया था? हाँ, मगर हम हमारे सामने ये सब नहीं था, पता नहीं था हमको। आपको नहीं पता था कि उसमें वो नहीं, वो सब नहीं, नहीं। हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे, हिमांशु शुक्ला का ही रिक्शा चलाता था वो? हाँ जी, उसी का चलाता था। क्या लोन का भी कोई मामला सामने आया था जिसपे आप लोगों ने फटकार लगाई थी उसको? लोन का तो वो फर्जी बता रहे थे, इतना लोन कहाँ से लेंगे हम। उसने कोई लोन नहीं लिया था उस रिक्शे पे उनके नाम पे, मालिक के नाम पे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उसको पता है, उसको सिर्फ अपने आप पे विश्वास है। और ये खाते वाला कुछ चल रहा है कि उसके कई खाते थे, इसके बारे में आपको जानकारी थी कुछ? कितने खाते थे उसके? उसका तो एक खाता बंद हो गया था, तो दूसरा खुलाया था उसने नया। कौन से बैंक में? वही तेलीबाग की तरफ है बैंक। ये बताइए बेटा, कल सागर से आपकी बात कराई पुलिस एजेंसी ने, क्या सवाल पूछा आपने और सागर ने क्या कहा आपसे? वीडियो कॉल पे जब सागर था तो हम लोग देख के रोने लग गए, हम और मम्मी, तो फिर वो हम लोगों को चुप करा रहे थे कि चुप हो जाओ, हम लोग सही हैं, रो मत, हम सही हैं यहाँ पे, परेशान मत हो। फिक्र, हाँ बस उसने यही कहा। आपने कुछ कहा? हमने तो कुछ नहीं कहा, बस वही बोल रहा था कि परेशान ना हो, हम लोग रो रहे थे ना इसलिए देख के अचानक से। तो है नहीं, उसने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन कहा कि परेशान मत हो, मैं यहाँ ठीक से हूँ। और जांच एजेंसी बेटा क्या कुछ लेके गई आपके घर से? कर वो नटराज का कटर ले गई है, वो मिला है, भाई ने बताया था। दस्तावेज भी? हाँ, वो मेरे, हम लोगों के आधार कार्ड, मम्मी पापा मेरे आधार कार्ड की फ़ोटो खींच के ले गई है, भाई का पैन कार्ड, ये सब। भाई ने बताया था कि नटराज का कटर बनाते हैं? हाँ, तो वही लेने आए थे जी। ठीक है, साथ में लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत, न्यूज़ 18।